नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं PHU पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चों के इंक्वायरी जा रही है कि सर प्लीज बताइए BHU BA आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें हमें सेमेस्टर्स में मार्क्स अच्छे मिलेंगे। यानी ये बच्चे ये नहीं पूछ रहे हैं कि UPSC के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, ये बच्चे ये नहीं पूछ रहे हैं कि हमें PCS और वन डे एग्जाम्स के लिए कौन से कॉम्बिनेशन चाहिए, ये जॉब के लिए प्राइवेट सेक्टर में कॉर्पोरेट मल्टीनेशनल कंपनी में जाने की बात नहीं कर रहे, ये बात कर रहे हैं कि सर ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें यहाँ के प्रोफेसर अच्छे मार्क्स देते हैं। ये बात कोई भी YouTube चैनल पे नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने चीजों को बताने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, मस्ट अ BHU एन स्टूडेंट। एक BHU का छात्र ही बता सकता है कि कौन से सब्जेक्ट्स में आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीजों को जानते हैं। ध्यान देना कि ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से मैं नहीं बोलूंगा, अदरवाइज मेरे टीचर्स अगर इस वीडियो को देखते हैं तो कहेंगे कि देखो ये बता रहा है वीडियोज में। सो प्लीज, बस ये वीडियो आपके लिए है, मेरे दोस्तों के लिए है, मेरे सब्सक्राइबर के लिए है। दोस्तों देखो, जैसे कि ये बच्चा जो है सबसे पहले नंबर पे डाला हुआ है कॉम्बिनेशन, ये आर्ट का कॉम्बिनेशन है, AISC इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी इन FMC यानी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस। AISC डिपार्टमेंट BHU का कैसा है? नो डाउट कि यहाँ का AISC डिपार्टमेंट पहले तो वन ऑफ द बिगेस्ट डिपार्टमेंट इन आर्ट फैकल्टी। यहाँ पे बच्चों प्रोफेसर की संख्या ज्यादा है, बच्चों की सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन भी इसी में बनाए जाते हैं, और यहाँ के टीचर सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट भी हैं। मेरा मानना है अगर आप AISC लेते हो तो आपको एक पढ़ाकू होना बहुत जरूरी है, आपके पास पढ़ने की स्टेमिना होना बहुत जरूरी है, क्योंकि AISC में मार्क्स इजिली नहीं मिलता है। अगर हम एकाध टीचर को छोड़ दें तो बाकी जितने भी 7-8 उसके पीछे टीचर से UG में पढ़ाने वाले, उन सभी टीचरों का रिकॉर्ड यही है कि वो मार्क्स बहुत ही आपके टू द पॉइंट्स पे देते हैं, आंख बंद करके मार्किंग नहीं होती है। तो AISC को लेने से पहले, AISC है क्या? AISC है एंशियंट हिस्ट्री, सिंपली आप समझ लो। इसमें हिस्ट्री का जो 3 पार्ट होता है उसमें जो पहला एंशियंट हिस्ट्री होता है उसके बारे में यहाँ पे बात की जाती है। इसमें थोड़ा आर्कियोलॉजी को भी ऐड करते हैं, जिसमें खनन वगैरह जो क्वाइंस होते हैं ये सब, मतलब पुरातत्व विभाग भी इसी में आता है, उससे रिलेटेड भी चीजें इसमें पढ़ाई जाती है। तो अपने आप में AISC डिपार्टमेंट थोड़ा स्ट्रिक्ट है, इसको आप लोग डरना मत, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, मिलता है तो पढ़ लोगे, मेरा कहना है कि पढ़ लोगे, ठीक है, क्योंकि मैं इसी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट रहा हूं, मैंने AISC पढ़ी है। इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, वही बच्चा लेगा जिनका मैथमेटिक्स है, मुझे जहां तक लगता है कि संभाल लोगे, लेकिन आपको ये कॉम्बिनेशन के साथ अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना रहे AISC या ज्योग्राफी के साथ, तो मुझे लग रहा है इट विल बी हार्ड, क्योंकि हर एक हार्ड सब्जेक्ट को लेने के बाद आपका टाइम नहीं बचेगा, ना घूमने का, ना खाने पीने का, ना ही आपके पास एक्स्ट्रा UPSC प्रिपरेशन का। सो प्लीज कॉम्बिनेशन हमें वैसा ही ले, हमेशा वैसा ही ले, जिससे कि आपके पास एक्स्ट्रा कम से कम 4-5 घंटा खुद की प्रिपरेशन के लिए मिले, क्योंकि ये जितनी भी पढ़ाई है ये आपको कहीं भी जॉब नहीं दिलवा सकती है। इट मीन्स नॉट सेइंग नहीं दिलवा सकती है, बट नहीं दिलवा सकती, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। किसी भी कॉम्पिटिशन का अपना एक पार्टिकुलर कोर्स है, सिलेबस है, और उसके लिए पर्टिकुलर प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती ही है, अदरवाइज इतनी कोचिंगें नहीं होती, अदरवाइज UPSC तो यहीं से निकल जाता। सो प्लीज मैं आपको क्या बोला कि ये आपको लिए बूस्टअप का काम कर सकता है, सेमेस्टर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली वहां पे थ्रू नहीं कर सकता है, पिन नहीं कर सकता है कि हाँ आप क्रैक कर लोगे। सो प्लीज आप सब्जेक्ट्स लेने से पहले सब्जेक्ट्स में थोड़ा हल्का थोड़ा वजन दोनों का कॉम्बिनेशन रखें, तो ये कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि तीनों के तीनों हार्ड सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी भी हार्ड है, इकोनॉमिक्स भी हार्ड है, और AISC भी हार्ड है। आप हमेशा कॉम्बिनेशन सेकंड देखते हैं, हिंदी AISC एंड इंग्लिश, ये कॉम्बिनेशन अच्छा हो सकता था, लेकिन इसमें है इंग्लिश वही लेगा जो कन्वर्ट स्कूल से पढ़ा है, जिसकी कन्वर्सेशन अच्छी है, जो कि इंग्लिश की राइटिंग अच्छा कर सकता है, ग्रामेटिकल नॉलेज है उसके पास वर्ड्स पावर है, उसका प्रोनंसिएशन अच्छा है, ये तमाम बातें अगर अच्छी हैं तो इट विल बी गुड फॉर यू, अदरवाइज इंग्लिश मत लेना, क्योंकि FMC में इंग्लिश में बहुत रगड़ के मार्क्स काटते हैं भाई, इंग्लिश में मार्क्स अच्छे नहीं आते। मेरे जो दोस्त हैं बहुत अच्छे इंग्लिश में हैं, उनको 38 out of 70, 38, 20, 42, 45, 52 मैक्सिमम ऐसे मार्क्स हाईएस्ट जाता था, अदरवाइज कुछ के बस बच्चों को 60+ होते थे, नहीं तो बहुत मार्क्स कटता है। तो इंग्लिश अपने आप में थोड़ा सा हार्ड है, ध्यान देना हार्ड है, इजिली इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। सो प्लीज इंग्लिश में अच्छे हो तभी, हाँ लेकिन जो पढ़ने में अच्छा है उनको इंग्लिश में मार्क्स अच्छे भी मिलेंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ।
हिंदी बहुत अच्छा है, यहाँ पे टीचर्स लिबरल है, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, तो हिंदी अपने कॉम्बिनेशन में रख सकते हो। यदि आप हिंदी वाले एरिया से आते हो तब, हिंदी रीजन से आते हो तब, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इनका चौथा प्रिफरेंस, हिंदी AISC एंड पाली। हिंदी तो इट गुड, AISC मैंने बता दिया कैसा है, पाली भी मार्क्स वाला सब्जेक्ट है, लेकिन पाली का यूज कहाँ है ये जान जाना। आप कभी भी हिंदी और पाली को एक साथ मत रखना, हमेशा एक ही आसान सब्जेक्ट रखना, ये नहीं कि तीनों आसान रख लिए। पाली में मार्क्स बहुत अच्छा मिलता है, डरना मत। जितने भी बौद्ध के साक्ष हैं, जितने भी रिटेन उनके इंस्क्रिप्शन है, जितने भी उनके लिटरेचर है, वो पाली में लगभग लिखे गए ज्यादा से ज्यादा। पाली थोड़ा संस्कृत से रिलेटेड है लैंग्वेज, और बहुत आसान है, और इसमें मार्क्स बहुत अच्छा मिलता है। मेरा एक दोस्त था, उसको पूरे में पूरे मिले हुए थे असाइनमेंट में, रिटेन में भी कुछ ऐसा ही आता है, 60+ ही होता है, ठीक है। उसके बाद हिंदी AISC फिलोसफी, वन ऑफ द गुड एंड बेस्ट प्रेफरेंस इन आर्ट्स। अगर आपके चॉइसेज है कि आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो और फिलोसफी आपका कुछ है, तो 5th नंबर प्रेफरेंस बहुत अच्छा है। ये प्रेफरेंस जो भी लेगा, जिसको भी मिलता है, उसके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, वो मेडल भी पा सकता है, ध्यान देना, इतने अच्छे मार्क्स इसमें मिल जाते हैं। क्योंकि हिंदी में मिलेगा ही, AISC में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, तो एक ही हार्ड है कर लोगे, और फिलोसफी ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, क्लासेस बहुत अच्छी चलती हैं, और यहाँ पे तो जब लास्ट में आप लॉजिक पढ़ोगे तो पूरे पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, ये बात समझ लेना। इथिक्स बहुत अच्छा है, स्टार्टिंग में वेस्टर्न फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी, बस सुन सुन के ज्ञान की प्राप्ति होती है यार, क्या मजेदार है, बहुत मजा आता है। एक्चुअली मैं फिलोसफी का स्टूडेंट हूं, इसलिए मजा आ रहा है। 7वां, हिंदी इंग्लिश हिस्ट्री। हिंदी इंग्लिश कभी भी एक साथ मुझे नहीं लगता लेना चाहिए यार। देखो, आपको अगर UPSC में जाना है तो आपके पास इंग्लिश कंपल्सरी वहां होता है, लेकिन इंग्लिश के पेपर वहां पे ऐसा भी नहीं है कि क्वालिफाइंग होता है, वो उसके मार्क्स नहीं ऐड होते हैं, पता है ना। तो ऐसे में आप इंग्लिश की प्रिपरेशन बिना यहाँ पढ़े भी कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे इंग्लिश लेने का एक ऑप्शन है, आप यहाँ इंग्लिश ले लो ना, यहाँ पे लैंग्वेज में, यहाँ हिंदी इंग्लिश संस्कृत है, तो यहाँ पे जैसे आपने ऊपर अगर हिंदी ले लिया है तो आप यहाँ पे इंग्लिश ले लो, जिस क्योंकि इंग्लिश हमें राइटिंग प्रैक्टिस के लिए चाहिए, थोड़ा सा ग्रामर सही करने के लिए चाहिए, तो आप यहाँ पे ले लो और ऊपर आप हिंदी ले लो, साथ मत लो, क्योंकि दो दो लैंग्वेज लेके क्या करोगे, मेरे हिसाब से अच्छा सब्जेक्ट सबमिशन नहीं है वो, ठीक है। फिर हम लोग और आगे देखते हैं, ठीक है, AISC हो गया, और डिपार्टमेंट भी देख लेते हैं तो, ठीक है। हाँ, अब है पाली बुद्ध स्टडीज, अच्छा ठीक है, तो पाली हो गया, फिलोसफी AISC अब सही है, ये भी है, हिंदी फिलोसफी हिस्ट्री सही है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट देखो मुझे लगता है ना थोड़ा सा आपके लिए फायदेमंद हो जाता है अगर आप बिहार PCS में जा रहे हो, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, और हिस्ट्री ऑफ आर्ट का आगे भी स्कोप है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि हिस्ट्री ऑफ आर्ट के ओरिएंटेशन से ही आए हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद है कथक, अब MMB में है, जिनको कथक में है वो अपना देख सकता है, होम साइंस है, पेंटिंग है, भरतनाट्यम है, एजुकेशन है, देखो इसमें बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन है जो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, लेकिन वो उनके लिए है ना, जो बच्चे उसी को लेके पढ़ना चाहते हैं। अब किसी लड़की का मन है कि वो कथक करना चाहती है, तो ऑफकोर्स उसके लिए प्रेफरेंस होना चाहिए। अब कोई लड़की भरतनाट्यम करना चाहती है तो भाई उसके लिए प्रेफरेंसेज होना चाहिए, तो ये उसके लिए रखा गया। तो ओवरऑल मैंने आपको 2-3 पॉइंट बता दिया कि देखो कौन कौन से यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो हार्ड है, कौन कौन से इजी है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप बाकी मेरे जो वीडियोज हैं प्रेफरेंसेज के, UPSC वाला और कमिंग 50,000 रुपीज वाला, प्लीज उन वीडियोज को देखने के बाद ही डिसाइड करें कि प्रेफरेंसेज में क्या भरना है। और हाँ, प्रेफरेंसेज का एडिट ऑप्शन 6 तारीख को आ जाएगा, आप लोग प्रेफरेंसेज को एडिट कर सकोगे, इसीलिए वीडियो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल है। ये चल रहा है मिशन काउंसलिंग, हम आपको देंगे 100 वीडियो, चैनल को पहुंचाना है 100K, सो प्लीज हर कोई सब्सक्राइब करेगा वीडियो को और वीडियो को शेयर करेगा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तब, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत का वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है।